मैंने तो ये कहा है कि कांग्रेस के ही कुछ चंद लोग, 5-7 लोग, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 5-7 लोग जो बाहर ये कहते हैं कि कांग्रेस के काम में, कार्यकाल में 4.5 साल में कोई काम नहीं हुआ। स्थानीय प्रतिनिधि ने इस प्रकार का भाषा का उपयोग किया, कतई उचित नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी की जान होती है, कार्यकर्ताओं की बदौलत सरकार बनती है, कार्यकर्ताओं की बदौलत क्या किया मेले जीते जाते हैं, और उनका जब कहीं सम्मान नहीं होता तो कार्यकर्ताओं में रोष होता है और वो रोष प्रकट करते हैं, और उनको बीजेपी का एजेंट बताना उनका सबसे बड़ा अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है। कोई वो एजेंट बता रहे हैं, वही कार्यकर्ता थे जिनकी बदौलत क्या है कि वो वर्तमान में विधायक बने। नंबर 1, सीताराम काला ने ये मैं आपके सामने भी कहा होगा, पता नहीं, मुझे को मालूम नहीं, लेकिन अगर ऐसा कहता आदमी, कोई भी काम ही नहीं हुआ तो फिर वो कांग्रेस का आदमी कैसे हुआ? राज तो सीताराम जी अपने हाथ से टिकट कोई बना करके खुद की पॉकेट में रख रहे हो तो मुझे नहीं मालूम। पिलानी विधायक के बयानों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। पिताराम काला का बयान, स्थानीय कांग्रेस विधायक के टिकट को लेकर दिए गए बयान पर भी दी प्रतिक्रिया किया पलटवार। पिलानी विधायक व पिताराम काला दोनों के बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। पहले जहां पिलानी विधायक ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लेकर एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं को भाजपा का एजेंट बता दिया था, तो वहीं इस बयान पर अब कांग्रेस पार्टी से पिलानी विधानसभा से दावेदारी कर रहे पिताराम काला ने कहा कि ऐसे बयानों से कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटता है। विधायक को ये समझना चाहिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता उनसे क्यों नाराज हैं, ना कि उन पर किसी पार्टी का एजेंट होने का आरोप लगाना चाहिए। काला ने कहा कि विधायक ने टिकट को लेकर भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी से टिकट मांगना लोकतंत्र में सबका अधिकार है और वे पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी पार्टी का विरोध नहीं किया, बल्कि जनता में जो पार्टी की छवि जिस नेता ने खराब की है और जनता की जो आवाज है वो उठाई है। कांग्रेस ने अच्छा काम किया है और उन्होंने कांग्रेस के कार्यकाल को लेकर कभी सवाल खड़ा नहीं किया, बल्कि स्थानीय विधायक ने जो काम नहीं किया उस पर सवाल उठाए हैं, जो सवाल जनता के भी हैं। स्थानीय प्रतिनिधि ने इस प्रकार का भाषा का उपयोग किया, कतई उचित नहीं है। कार्यकर्ता पार्टी की जान होती है, कार्यकर्ताओं की बदौलत सरकार बनती है, कार्यकर्ताओं की बदौलत क्या किया मेले जीते जाते हैं, और उनका जब कहीं सम्मान नहीं होता तो कार्यकर्ताओं में रोष होता है और वो रोष प्रकट करते हैं, और उनको बीजेपी का एजेंट बताना उनका सबसे बड़ा अपमान है, कार्यकर्ताओं का अपमान है, ये कतई क्या कि कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपको लेकर भी है ना ये कहा जा रहा है कि आप कांग्रेस का ही विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, क्या आप कांग्रेस का विरोध कर रहे हो या फिर जो जनता की आवाज़ है जो यहाँ के विधायक को लेकर है वो पार्टी तक पहुँचा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस बारे में? मैं कांग्रेस का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, कांग्रेस की विचारधारा को गाँव तक पहुँचा रहा हूँ, जन जन तक पहुँचा रहा हूँ, सरकार की जो कल्याणकारी योजना है उनको जनता तक पहुँचा रहा हूँ, फ्लैगशिप योजना है उनको जनता तक पहुँचा रहा हूँ, विरोध किसी की चीज़ का नहीं करा। कार्यकर्ताओं में जो रोष प्रकट हो रहा है वो रोष प्रकट हो रहा है वो क्या कि कार्यकर्ता व्यक्त कर रहे हैं, और कुछ लोगों को ये लग रहा है कि बीजेपी का एजेंट बनकर कार्य कर रहे हैं, जिनको वो एजेंट बता रहे हैं वही कार्यकर्ता थे जिनकी बदौलत क्या है कि वो वर्तमान में विधायक बने। एक ये भी कहा जा रहा है कि पिताराम जी को कोई बस की या फिर किसी और की टिकट तो कन्फर्म हो सकती है लेकिन कांग्रेस की टिकट कन्फर्म नहीं हो सकती, ये विधायक माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी ये कहा है कि कार्यकर्ताओं को अधिक से अधिक टिकट मांगनी चाहिए और कार्यकर्ताओं का हक और अधिकार होता है कि वो टिकट मांगे। हम क्या कि कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथ है, समर्पित होकर कार्य करेंगे, टिकट मांगना हमारा हक है, सरकार टिकट देगी तो उसी हिसाब से कार्य करेंगे, पार्टी के प्रति हमेशा समर्पित रहे और समर्पित रहे। क्या ऐसे बयान देने चाहिए कि एक कार्यकर्ता का, और भी जो कार्यकर्ता हैं जो राजनीति में आना चाहते हैं, युवा है, तो ऐसे ऐसे बयानों से मनोबल तो घटता ही होगा एक कार्यकर्ता के रूप में? नहीं, कार्यकर्ताओं में निश्चित रूप से मनोबल घटता है। नेता वो होता है जो अपने कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है और उनके कार्य करता है, उनकी मुसीबत के अंदर सहयोग करता है, वो क्या असली नेता होता है।